अस्सलामुअलैकुम भाई, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिएट डायनामिक ब्लॉक इन ऑटोकैड सिविल 3D और ऐड पोगो पॉइंट डाटा टू ए एट्रीब्यूट ब्लॉक। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो क्वेश्चन मुझे यूट्यूब वीडियो के कमेंट में पूछा गया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है दो कमेंट हैं उनके। यहाँ पे अगर हमारे पास एक एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट है तो उसमें पोगो पॉइंट का डाटा कैसे ऐड कर सकते हैं, लाइक कोऑर्डिनेट एंड एफआरएल सेम एट्रीब्यूट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, या यही सेम डाटा एट्रीब्यूट में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, प्लीज़ वीडियो बना दें अगर पॉसिबल है तो। तो ये जो पॉइंट स्टाइल की वीडियो थी उस पर ये कमेंट मुझे रिसीव हुआ था, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में इसका रिप्लाई दूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि न्यू आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। तो सबसे पहले आपने लाइन वर्क से किसी भी एम्प्टी ड्राइंग में आपने अपना एक लेबल जो है वो क्रिएट कर लेना है, लेबल स्टाइल वगैरह क्रिएट कर लेना है, और जिस टाइप का आपको लेबल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का डायनामिक ब्लॉक का आपने वो क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है लाइन वर्क, यहाँ पे ये रेक्टेंगल है और साथ में इसके ये सिंपल लाइंस हैं, पॉली लाइन। ओके, यहाँ पे ये सर्कल है, ओके, और यहाँ पे भी ये सर्कल है, और ये इसमें कुछ हैचेस किए हुए हैं और वो मैंने इसको कलर दिया। आप ये हैचेस रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखना तो आप सिंपल सर्कल लेके लेके वो भी उसको ले सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एम टेक्स्ट है ये मैंने लिखा हुआ है जस्ट इसकी पोजीशन को रखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है हम इसी स्टाइल को डायनामिक ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें अपना पोगो पॉइंट का ये डाटा, पॉइंट नंबर, स्ट्रिंग, नार्डिंग, एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करके देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी विद बेस पॉइंट। ओके, तो ये मेरा बेस पॉइंट है। ओके, और यहाँ पे मैं न्यू ड्राइंग में इसको यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसका बेस पॉइंट मैं देता हूँ 0.0। लेट इंटर, ई इंटर। यहाँ पे अभी हम इसका जो है वो आईडी चेक कर लेते हैं। जैसे ये सर्कल है तो इसकी प्रॉपर्टी में अगर देखें तो यहाँ पे ये 0.0 पे ये आ गया है पोजिशन। ओके, इसका रेडियस वगैरह जो है तो यही हमें चाहिए था। तो अभी ये वाला जो है आप डायरेक्ट भी एट्रीब्यूट ब्लॉक में भी इसको, एडिटर में भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया था, तो अभी हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे मैं बी की कमांड देता हूँ, बी, बी फॉर ब्लॉक। ओके, और मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक डेमो। ओके, अगर आप यहाँ पे पिक पॉइंट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और मैं जस्ट इसको यहाँ पे ओपन इन ब्लॉक एडिटर, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे इसको आपने चेक करना है और ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप जस्ट इसको ओके कर दें, नो प्रॉब्लम, या कैंसिल कर दें। तो मैं जस्ट इसको ओके कर देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यही ब्लॉक जो है ये हमारा ब्लॉक एडिटर में ओपन हो गया है। यहाँ पे अभी हम इसका आईडी चेक कर लेते हैं कि ये 0.0 पे है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे सेंटर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखें ये एक्स वाई जेड पोजीशन 0.0 पे, इसका आपने ख्याल रखना है। अगर ये 0.0 पे नहीं होगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप अपनी एम टेक्स्ट रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज आप इसको दोबारा से भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए तो ये अगर आप देखें तो इसकी जो फॉन्ट साइज है वो 0.25 है और इसका जो स्टाइल है वो ब्लॉक है। तो ये मैंने कैसे क्रिएट किया है, जस्ट आपने डी प्रेस करना है, मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई में ये जो टेक्स्ट टैब होता है यहाँ पे, ये जो एलिप्सिस बटन है, थ्री डॉट बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने न्यू में जाना है, न्यू में आपने यहाँ से कोई भी अपना नाम देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पे जो है आपने अपना टेक्स्ट हाइट जो 0.25 मैंने आपको दिखाई वो है लिख देना है, और यहाँ से आपने अपना फॉन्ट लेना है, बोल्ड और टैलिक जो भी रखना हो, और सेट करंट करके जस्ट ओके कर देना है। तो ये इस लिस्ट में जो है वो आपका ये आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी ये स्टाइल है तो मैंने ऑलरेडी इसको साइन किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आपने यहाँ से न्यू बना लेना है। तो अभी हमने अपना यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट डेफिनेशन की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो एट्रीब्यूट की ऑप्शंस हैं ये आपको ऑटोकैड में भी मिल जाती हैं, वहाँ पे भी आप कोई डायनामिक ब्लॉक वगैरह बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने कोको पॉइंट का डाटा ऐड करना है, इसलिए मैं इसको सिविल थ्री में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टैग जो है, टैग में सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा, और यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करेंगे तो जहाँ आप फाइल में आके बाद में क्लिक करेंगे ये लेबल वहाँ पे क्रिएट होगा, और अगर आप स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन नहीं करेंगे तो फिर ये यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट पे आएगा। तो हम इंसर्शन पॉइंट पे भी हम ले लेते हैं ताकि हमारा बाद में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट लिखा है, ये दोनों नीचे वाले जो हैं वो मैंने खाली छोड़े हैं। जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये पॉइंट क्रिएट हुआ। तो अभी आप यहाँ पे अगर देखें तो ये फॉन्ट दूसरा आया है, तो ये कैसे सिलेक्ट करना है आपने, इसीलिए मैंने आपको वो फॉन्ट दिखाया था। तो यहाँ पे PONT पॉइंट, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आ रहा है, यहाँ से मैंने ब्लॉक का फॉन्ट लिया और जस्ट मैंने इसको ओके किया अभी। तो अभी अगर आप देखेंगे तो ये सेम जो है वही आया है फॉन्ट जो यहाँ पे क्रिएट हुआ हुआ है। तो मैं इसको यहाँ पे ये जो है इसका स्टाइल जो है मैं सेम कर देता हूँ, और अभी मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ओके। अभी जो है नेक्स्ट हमने क्रिएट करना है एट्रीब्यूट, नेक्स्ट हमारा ईस्टिंग है, तो अभी मैंने यहाँ पे लिखना है ईस्टिंग ओके। और यहाँ पे ये जो डिफॉल्ट है, यहाँ इस पे ये जो इंसर्ट फील्ड की ऑप्शन है, आपने यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये सिलेक्शन विंडो है, मैं इसको लेता हूँ। यहाँ पे ये जो आपने सर्कल क्रिएट किया है, आप सेंटर वाले को भी ले सकते हैं और आउटर को भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने वो ले लेना है। और यहाँ पे इसको आपने सेंटर में रखना है, और यहाँ पे हमें जो इसकी पोजीशन चाहिए वो ईस्टिंग की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक्स रखा है, एक्स ईस्टिंग को रिप्रेजेंट करेगा। मैं जहाँ इसको ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेम इसी पॉइंट का जो ईस्टिंग है वो यहाँ पे आएगा अभी। तो मैं इसको पहले फॉन्ट दे देता हूँ, ईस्टिंग का जो हमारा लेबल का फॉन्ट है वो मजेंटा है, तो मैं यहाँ से इसको मूव करता हूँ ओके, और मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा नॉर्दिंग का है, सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे मैं इसको नॉर्दिंग लिखता हूँ ओके। और यहाँ पे ये जो है सेम मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट ओके सर्कल, ठीक हो गया। और यहाँ पे सेंटर, और इस दफा एक्स की बजाय मेरा यहाँ पे मुझे वाई रिक्वायर्ड है, और मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे क्रिएट हो गया है ओके। अभी इसको मैं यहाँ से मूव करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा एलिवेशन है, सेम एट्रीब्यूट डेफिनेशन में ओके, ई एल ई वी ओके। यहाँ से सेम मैं एट्रीब्यूट ब्लॉक लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सर्कल लेता हूँ ओके, और यहाँ से मुझे सेंटर का यहाँ पे मुझे एलिवेशन चाहिए, तो मैं जेड वैल्यू ले लेता हूँ ओके ओके। तो ये हमारा एलिवेशन का लेवल आ गया है, इसको मैंने यहाँ से मोटा जो है कोई भी आप यहाँ पे आप इसको दे सकते हैं कलर ओके। मैं यहाँ पे इसको येलो दे देता हूँ कलर, और मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे ये आ गया, अभी हमने डिस्क्रिप्शन लेना है ओके। तो यहाँ पे मैं DESC लिख देता हूँ ओके, और यहाँ पे ये जो है आप एम भी छोड़ सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं जस्ट इसको ऐसे छोड़ देता हूँ ओके। ये डिस्क्रिप्शन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है ये आ गया ओके। और यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ से मैं अभी इसको जो ये जो टेक्स्ट है हमारी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ओके, और मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये आ गया हमारा। तो अभी हमने नेक्स्ट इसमें जो है वो क्रिएट करनी है इसकी पैरामीटर वगैरह। तो पैरामीटर के लिए आपने यहाँ पे ये जो इसका टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ओके, यहाँ गए इसकी प्रॉपर्टी विंडो में जाएं आप यहाँ पे ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टी विंडो जो है वो यहाँ पे ओपन हो गई है ओके। इसको मैंने बंद किया
ओके, ये प्रॉपर्टी विंडो है इसकी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है सबसे पहले जो हमें पैरामीटर क्रिएट करना है वो इसके स्केल का करना है। तो यहाँ पे पैरामीटर में सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये जो लीनियर लिखा है, ठीक है, मैं इसको लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे जो क्रिएट करना है जिस पॉइंट से, उस पॉइंट को आपने ले लेना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसका ये जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, अभी हमने इसको जो है वो पैरामीटर असाइन करना है कि ये कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे इसका जो है आपने जो जो ग्रिप है ये वाली जो है इसको सेट करके प्रॉपर्टी में आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिप 2 है तो हमें 1 ही चाहिए यहाँ पे राइट साइड में। हमने इसको मूव करना है। अभी हम इसके ये जो पैरामीटर हैं, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये वाले जो पैरामीटर हैं, ये जो एक्शन है, ठीक है, एक्शन में आना है आपने। यहाँ पे हमने स्ट्रेच का पैरामीटर लेना है। तो स्ट्रेच किसको करना है, हमने ये जो डिस्टेंस क्रिएट किया है इसको मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद पॉइंट कहाँ से हमने स्ट्रेच करना है, तो ये हमारा पॉइंट है जहाँ से ये स्ट्रेच होगा। इसके बाद आपने ये जो है इसका ये क्राइटेरिया जो है इसको आपने ऐसे, सॉरी, स्ट्रेच, ओके, यहाँ पे ये पॉइंट दिया और यहाँ पे ये जो है ये विंडो हमने क्रिएट कर दी। अभी हमने ये जो है यहाँ से इसको ड्रैग किया, ओके, यहाँ से इसको ड्रैग किया, ठीक है, और ये वाली जो है इसमें मैंने क्लिक किया, जस्ट मैंने इसको राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा पैरामीटर जो है वो असाइन हो गया है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर जो है ये लेबल को हमने ऊपर नीचे अगर करना हो तो उसके लिए जो है मेरे पास जो है वो यहाँ पे ये पॉइंट की ऑप्शन है। तो किस पॉइंट से हमने इसको ऊपर या नीचे करना है ये हमारा वो पॉइंट है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से भी मैंने इसको यहाँ रख दिया इसको। ओके, अभी हमने इस पर एक्शन अप्लाई करना है। तो सेम है, इसमें ये स्ट्रेच की ऑप्शन है, मैं स्ट्रेच पे गया, इसको क्लिक किया मैंने। उसके बाद जो है फर्स्ट कॉर्नर, ठीक है, तो फर्स्ट कॉर्नर क्या है, मैं यहाँ पे इसको ये स्ट्रेच, ओके, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओके, और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको पूरे को इसमें ले लिया। अभी ये विंडो मैंने यहाँ से बनाई, ओके, और यहाँ से ये जो है मैंने इसको यहाँ तक ड्रैग कर दिया और ये जो ये लाइन जो है इसको आपने ख़त्म कर देना शिफ्ट या आर्ट से, ओके, और इसको मैंने राइट क्लिक कर दिया। यहाँ पे ये पैरामीटर भी हमारा असाइन हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पे आपने फिर पैरामीटर में आना है। और अभी यहाँ पे ये जो है आपकी ये जो फ्लिप का ऑप्शन है आपने इसको लेना है और इसका आपने बेस पॉइंट देना है। तो बेस पॉइंट मेरा जो है वो सेंटर है, तो ये सेंटर है, ओके। और अभी जो है इसको मैंने यहाँ पे सेंटर पे लिया, ओके, और इसको मैंने यहाँ पे ऊपर पहले जाके मैंने यहाँ पे इसको फ्लिप का ये जो एरो है इसको मैंने कर दिया बस। और अभी इसके पैरामीटर जो है ये फ्लिप के पैरामीटर हैं, आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से पूरे को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। ब्लॉक हमारा क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये टेस्ट ब्लॉक है, यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये जो है ये ओपन हो जाएगा। जेड इंटर, ई इंटर, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है अभी मैं जैसे इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हम देखते हैं ये स्ट्रेच होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रेच हो रहा है और यहाँ पे अभी अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये ऐसे ऊपर नीचे भी हो रहा है, ठीक है। और अभी अगर आप यहाँ देखें तो फ्लिप करके देखते हैं हम ये फ्लिप होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे ये फ्लिप भी हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो स्ट्रेच में जो है एक चीज़ जो है वो जो एरर आया है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये पैरामीटर जो है हम देख लेते हैं कि ये ऐसे क्यों है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला जो पैरामीटर है, ठीक है, ये वाला जो पैरामीटर है ये वाला, ओके, तो इसको हम क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे
इसको हम क्लोज कर देते हैं और हम देख लेते हैं इसको कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, सेव डायनामिक ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे ये आ गया, यहाँ से मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ, ओके, ठीक हो गया। अभी हमने इसको क्रिएट करके देखना है गूगल पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैं होम टैब में आता हूँ, पॉइंट क्रिएशन टू, ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये कुछ पॉइंट हैं गूगल पॉइंट जो लास्ट ट्रैंग वीडियो में हमने यूज किए थे, तो मैं जस्ट यहाँ से इनका एक पॉइंट ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, ओके, 02 का नाम दे देता हूँ, ओके ओके ओके। तो जेड इंटर, ई इंटर, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गोगो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। अभी वो वाला ब्लॉक हमने इस पे असाइन करना है, तो यहाँ पे पॉइंट में आना है आपने, क्रिएट ब्लॉक फ्रॉम गोगो पॉइंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है यूज एन एग्जिस्टिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वो जो ब्लॉक हमने क्रिएट किया था अभी इस लिस्ट में यहाँ पे आ गया है। तो हमने किन को असाइन करना है, इन पॉइंट को हमने असाइन करना है, जस्ट मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो यहाँ पे आप देखें ये 99 नंबर पॉइंट नंबर है, यहाँ पे 99 आ गया, ईस्टिंग आ गया, नॉर्थिंग आ गया, इसका एलिवेशन आ गया है और यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम जो है इसको मजीद टेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम ये ब्लॉक को हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट सिमिलर कर दें, यहाँ पे प्रॉपर्टी में चले जाएं, यहाँ पे अभी आप देखें तो ये बिल्कुल राइट साइड में है, अभी हमने इसको लेफ्ट में करना है और थोड़ा हमने इसको ऊपर करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाई पोजीशन जो है मैं इसको 1.5 कर देता हूँ, ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, जो वहाँ पे टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे वो हमें ठीक नज़र आ रहा है, ओके। तो ये टैग जो है ये थोड़ा फ्लिप होके थोड़ा मतलब ऊपर चला गया है, जितना आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ये 1.5 को बंद कर दें तो ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा यहाँ पे, और अभी अगर आप इसको फ्लिप कर दें, यहाँ पे नॉट फ्लिप जो लिखा है, यहाँ पे नॉट फ्लिप जो लिखा है, तो मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, सब की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप किसी एक को भी कर सकते हैं और आप एट ए टाइम सबको भी एक दफ़ा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ और इसको यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी हमारे कोको पॉइंट थे उनके साथ हमारा ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेबल जो है वो आ गया है। अगर आपके ये लेबल अपडेट नहीं हो रहे ऑटोमेटिकली तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने किसी भी एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लें या ऐसे AAT, ओके, जैसे ही आप देंगे कमांड तो यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज की ऑप्शन आएगी, यहाँ पे आपने सेलेक्ट पे ऑप्शन को यूज़ करना है, ओके, और अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करके यस करना है। तो ये वैल्यू अगर अपडेट कोई भी नहीं हुई होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन जो किया गया था कि हमारे पास जो कोको पॉइंट होते हैं उनके साथ हम अपना कस्टम लेबल कैसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।